दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में यहां कोविड-19 के 1407 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दो शख्स की कोरोना से मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 29,821 कोविड टेस्ट हुए, जिनमें से 1407 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अगर दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो ऐसे मरीजों की संख्या करीब 6000 पहुंच गई है। फिलहाल राजधानी में 4,365 कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में है, जबकि 183 कोविड-19 मरीज अस्पताल में भर्ती है। इनमें से 56 ICU में है और 61 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। वहीं 4 कोविड पॉजिटिव मरीज वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1546 लोगों ने कोरोना को मात दी है और फिट हुए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर करीब 5% पहुंच गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को संक्रमण के 1656 मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 4 फरवरी के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। उसके बाद शनिवार को मामले में गिरावट दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के मामलों में शुक्रवार के मुकाबले बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसमें डरने वाली बात यह है कि 2 मौतें भी हुई हैं। दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसे चौथी लहर के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि दोनों कोरोना वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज ने भी काफी हद तक कोरोना की रफ्तार को काबू में किया है। लाइव हिंदुस्तान भी आपसे अपील करता है कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूर लगवाएं और घर से निकले तो मास्क पहने और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।